Assalamualaikum, वेलकम बैक इन मुज़नास किचन एंड आई होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम बना रहे हैं वो है अंडे वाला बर्गर। उसके लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए। मैंने सबसे पहले एक अंडे के अंदर ज़्यादा सारी रेड मिर्च डाल के स्पाइस के लिए इसको फेंट लिया। ग्रीन चिली की चटनी को मैंने और मिंट चटनी को दही के अंदर मैंने मिक्स कर लिया। मैंने कबाब लिए हैं, मायोनीज लिए है, केचप लिया है, खीरे काट लिए हैं और प्याज गोल गोल कट कर लिया और साथ ही मैंने ये शामी लिए हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने शामी की बनाई थी। और साथ ही मैंने ये एक तवा लिया है, इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। इसके ऊपर मैंने 3-4 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड कर दिया है। और अब हम शामी को अंडे में से डिप करके इसका कोट करके हम इसको फ्राई कर लेंगे जी। तो शामी जो हैं वो अगर फ्रीज़र में है तो पहले आप इनको नीचे रख लें एटलीस्ट 1-1.5 घंटे के लिए कि इनकी जो बर्फ़ वग़ैरह है जमे हुए जो हैं वो सेट हो जाएं, या इसको माइक्रोवेव कर लें 1-2 मिनट के लिए और अब आप इनको फ्राई कर लें। अब मैंने एक और अंडे को इसी के अंदर फेंट लिया है क्योंकि अंडे वाला बर्गर बनेगा तो अंडे का कोट तो ऑब्वियसली उसके अंदर डबल होता है, तभी वो अच्छा लगता है। तो ये मेरे जो कबाब हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब ये मेरी सब चीज़ें रेडी हैं, साथ ही अब मैंने ये अंडा फ्राई कर लेना है। अंडे को अच्छे से फेंट लें और इसको अच्छे से फ्राई कर लें। कोशिश कीजिए कि ये ऐसे ही गोलनुमा टिक्की टाइप बने, टूटे मत। यहाँ अब मैं अपने बंस गर्म कर लूँगी अच्छे से, थोड़ा सा ऑयल डाल लें आप, क्रिस्पी थोड़े हो जाते हैं। और यहाँ अब ये मेरी सब चीज़ें रेडी हैं, मेरी सैलड रेडी है, केचप, मायोनीज, शामी और उसके अलावा ये जो मैंने चटनी मिंट की चटनी को दही के अंदर, पुदीने की चटनी को दही के अंदर ऐड कर दिया है और साथ में अंडा फ्राई कर लिया है और कबाब बंस ले लिया है मैंने। अब इसके साथ मैंने सबसे पहले बन पे मायोनीज ले डालनी है जी। तो इसके अंदर मायोनीज डाल के आप इसके अंदर ऐड कर दें, अब केचप ऐड कर दें जी। साथ ही अब केचप आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो गार्लिक भी ले सकते हैं क्योंकि स्पाइस आपने अपनी मर्ज़ी से ऐड करना होता है। और इसके ऊपर ये शामी रख दें और इसको थोड़ा सा सेटल डाउन कर लें स्पून के साथ जी। ऐसे हम इसको सेटल डाउन कर लेंगे। अब ये जो अंडा है ये आप लें और इसको फोल्ड कर लें, डबल कोट करें इसका, इसको इस पे रखें। देन आप इसके अंदर सैलड रखें, ऐसे आपकी सैलड गिरेगी नहीं, बर्गर ख़राब नहीं होगा, खाते हुए भी इजी रहेगा। इस ट्रिक के साथ इसको बनाएंगे बहुत बेस्ट रहेगा जी। और अब आप इसके अंदर प्याज ऐड कर दें। सैलड्स में आप चाहें तो बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, बट इस वाली सैलड के साथ भी ये बहुत यमी रहता है और मुझे यही पसंद है तो मैंने इसी के साथ बनाए हैं। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। अब मैं दूसरे बन के ऊपर ये चटनी डाल रही हूँ क्योंकि अगर सैलड के ऊपर या अंडे के ऊपर रखूँगी तो ये गिरेगी और वो ज़रा ज़्यादा हाथ ही गंदे होते हैं तो ऐसे वो बन सक कर लेगा चटनी को। अब आप इसको ऊपर से बन करके इसके ऊपर ये बन रख दें जी। तो ये जो हमारा बर्गर है, अंडे वाला बर्गर, बन कबाब और एग बर्गर स्ट्रीट स्टाइल बिल्कुल रेडी है। तो इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें, आने वाली ईद पे तो लाजमी इसको ट्राई करें क्योंकि ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है और हम सबको ही बहुत पसंद होता है, बच्चे हो बूढ़े हो सभी इसको बहुत अच्छे से लाइक करते हैं। ये बहुत सॉफ्ट भी होता है। तो अब मैं इस बर्गर को सेंटर से कट कर लूँगी और आप इसके लुक देखिएगा और आप देखिएगा कि मैंने जिस तरह से इसके अंदर सैलड वग़ैरह हर चीज़ रखी है, ना ये टूटेगा और ना ये ख़राब होगा, ना इसकी सैलड गिरेगी। तो यहाँ अब आप ये देखें, ये ओके हो गया जी। तो ये आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर कितना मज़े का लग रहा है। तो आप इसको लाजमी घर में ट्राई करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें। FB, Instagram, Twitter, वेबसाइट हर जगह मुझे फॉलो करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस के लिए और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।